हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बी टी यू पी स्टडी पॉइंट में। अब फ्रेंड बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम। दोस्तों आपको पता होगा जो हमारी केमिस्ट्री गैसी नियम से जो हमारी क्लासेस चल रही थी वो आपकी अगले ही वीडियो में दोस्तों चैप्टर क्लोज हो गया था। इस वीडियो में दोस्तों आपको गैसी नियम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें आपको दोस्तों हर बार जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और दोस्तों हर बार जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो भी फ्रेंड हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों अभी तक आपने गैसी नियम से रिलेटेड जो हमारी क्लासेस जो चल रही थी उन्होंने आपको आप दोस्तों मिस कर चुके हैं क्लासेस को, तो उसका लिंक मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पे जाकर एक एक वीडियो को दोस्तों अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरीके से हल करके आपको बताया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम 2010 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी गैसों का अणुभार 2 और 32 है। गैस ए का 100 घन सेमी आयतन विसरित होते में जितना समय लेता है उतने ही समय में गैस बी का आयतन विसरित होगा। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको जो टाइम है टी आपका वो सेम है दोनों गैसों का। जितने टाइम में दोस्तों ये आपका ए गैस विसरित होगा उतने ही समय में बी भी विसरित होगा। और दोस्तों इसमें आपका ए और बी का अणुभार दिया हुआ है, एम ए अणुभार को आप एम से डिनोट करते हो, एम ए आपकी एम ए की वैल्यू आपको दी हुई है 2 और एम टू एम बी की वैल्यू आपको 32 दी हुई 32 दी हुई है। ठीक है, और दोस्तों आपको वी की वैल्यू दी हुई है, V की वैल्यू क्या दी हुई है, वी ए की वैल्यू आपको 100 घन सेंटीमीटर दी गई है। जो आपका वैल्यूम दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है दोस्तों, वो आपका 100 घन सेमी दिया हुआ है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं M जो आपकी एम ए की वैल्यू हुए है दोस्तों वो आपका 2 दिया हुआ है, और एम बी की वैल्यू कितना दी हुई है दोस्तों, तो एम बी की वैल्यू 32 दी हुई है, और दोस्तों वी ए की वैल्यू आपको 100 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको दोस्तों किसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो वी बी की वैल्यू आपको इसमें नहीं दिया हुआ है और वी बी की वैल्यू मुझे फाइंड करना है। ठीक है, वी बी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हल करके बहुत ही अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा विसरण की दर की फार्मूला होता है आर प्रोपोर्शनल टू 1/√m। आप सभी को पता होगा, ठीक है, क्या दोस्तों जो विसरण की हमारी दर होती है आर प्रोपोर्शनल टू 1/√m, या दोस्तों आर को क्या लिख सकते हैं आप, आयतन बट्टे में समय। तो इसका दोस्तों आप एक फार्मूला होता है, डायरेक्ट आप फार्मूला लगाइए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है दोस्तों, वी ए टी बी, वी ए टी बी, वी बी टी ए, ठीक है, वी बी टी ए √m/b/ma। ठीक है, फॉर्मूला क्या है दोस्तों, आपका वी ए टी बी जो टाइम है टाइम, और दोस्तों आपका जो आयतन वैल्यूम है वी ए टी बी अपान में वी बी टी ए और एम बी और एम ए। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको वी ए की वैल्यू दी हुई है, वी बी की वैल्यू नहीं पता है, एम बी की वैल्यू दी हुई है, एम ए की वैल्यू पता है। ठीक है, सब दी हुई है, और दोस्तों जो आपका टाइम है वो आपका सेम है, तो दोस्तों टाइम जो है आपका टी बी और टी ए आपका सेम हो जाएगा, तो इसलिए टाइम से टाइम दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली यही बचेगा आप क्या, अब बचा क्या दोस्तों, तो बचा आपका वी ए अपान वी बी, वी ए अपान वी बी इक्वल टू √m/b m/b/ma। ठीक है, बचा क्या दोस्तों, v/va/vb इक्वल टू √m/b/ma। ठीक है, अब डायरेक्ट इसको दोस्तों आप हल कर सकते हैं, यहाँ पे va की वैल्यू कितनी थी, 100 थी दोस्तों, 100 लिख दीजिए, और t आपका तो कट गया था, va हो गया, आपको vb नहीं पता है, vb आप डायरेक्ट लिख दीजिए, इक्वल टू √ कितना था दोस्तों, वी बी एम बी की वैल्यू 32 थी और एम ए की वैल्यू क्या थी दोस्तों, 2 थी। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो निकल के आ जाएगा 100/√vb इक्वल टू
क्या जाएगा दोस्तों, 4, ठीक है, 2 से कट जाएगा 16 आ जाएगा, 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको वी बी की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, इसको आप कैंसिल आउट करेंगे, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारी वी बी की वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगी, 25, कितना दोस्तों, वी बी की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी 25 घन सेमी, कितना दोस्तों, 25 घन सेमी, ठीक है। 25 घन सेमी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आशा करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। और दोस्तों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, एक प्यारा सा कमेंट जय हिंद करके आप हमें जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन है, H2 तथा O2 की विसरण दर का अनुपात है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको विसरण दर की अनुपात पूछा है। अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों जो इसका अनुपात होगा कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों आपको सिंपल सा पता होगा, जो हमारा हाइड्रोजन है इसमें 2 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, H2 का निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 = कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का 2 × 16, ठीक है, इक्वल में कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अगर विसरण की दर का फार्मूला आपको पता होगा, मैंने वीडियो में दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से कक्षाएं बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। अभी तक नहीं देखा है दोस्तों, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक एक वीडियो को दोस्तों अच्छी तरीके से देखिए, आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी भी डाउट नहीं होगी। वहाँ दोस्तों विसरण दर के अनुपात का मैंने फार्मूला बता दिया है, आप डायरेक्ट H2R हाइड्रोजन बटे में RO2, ठीक है, RO2 इक्वल टू अंडर रूट में दोनों का कितना दोस्तों, अणुभार, ठीक है, कितना अणुभार, तो MO2 और MH2, ठीक है। आप ये फार्मूला लगा के डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जब यहाँ पे आपको कितना है, तो अंडर रूट में कितना आ गया दोस्तों, 32/2 आ जाएगा, और इसको करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 16 आ जाएगा। और जब इसको हल करेंगे, 16 को वर्गमूल लेंगे दोस्तों, तो आपका कितना आ जाएगा, 4, और रेशियो में कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा आर आर ओ टू और रेशियो आर एच टू का जो हमारा अनुपात हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4:1 का अनुपात हो जाएगा, कितना दोस्तों, 4:1 का अनुपात हो जाएगा, किसका, RH2/RO2, ठीक है। अब दोस्तों इसको आप पक्षांतर कर देंगे, उल्टा कर देंगे दोस्तों, तो जो हमारा RO2/RH2 की जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी 4/1, जो कि आपका 4:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2010 में पूछा गया है, और दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपको बहुत बार इंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस है। तो दोस्तों एलपीजी हमारा क्या है, तो दोस्तों जो हमारा एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस है वो क्या है, तो दोस्तों ऑप्शन एक है आपका मिश्रण, दूसरा है यौगिक, तीसरा है तत्व, चौथा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा एलपीजी है वो क्या है, एक यौगिक है, एलपीजी क्या है दोस्तों, यौगिक है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बी आपका आंसर बिल्कुल ही सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के विसरण की दर एक दूसरी गैस एक्स के विसरण की दर से 5 गुनी है, गैस एक्स का अणुभार बताना है। दोस्तों जो हाइड्रोजन का विसरण की दर है एक दूसरे गैस से एक्स के विसरण दर से 5 गुना है, ठीक है, गैस का अणुभार बताना है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम 2009 में पूछा गया है, और ऐसे ही दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। तो वीडियो को दोस्तों आप लास्ट तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों विसरण की दर का फॉर्मूला आपको एक ही है जो कि बता दी है, R=1/√1/अणुभार m, ठीक है, 1/m, ठीक है, जहां भी लगाएंगे आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, अब इसमें आपको R की वैल्यू जो दी हुई है, इसमें आप यहां पे डायरेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, R कितना,
हाइड्रोजन दिया हुआ है एच टू, आप डायरेक्ट कर दीजिए, और दोस्तों इसको आप यक्स कर दीजिए आर एक्स, कोई भी गैस है आर एक्स, ठीक है, इसमें आप डायरेक्ट कर दीजिए दोस्तों एम कर दीजिए, यक्स कर दीजिए और एम एच टू कर दीजिए, ठीक है। इसमें आपको इसकी वैल्यू दी हुई है दोस्तों, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, और जो हमारा इसका रेशियो दिया हुआ है अनुपात कितना, 5 गुना दिया हुआ है, तो आप दोस्तों डायरेक्ट इसमें फार्मूला लगा सकते हैं, 5 इक्वल टू अंडर रूट में एम एक्स अपान में 2 दिया हुआ है इसको, ठीक है। अब आप इसको हल कर लीजिए दोस्तों, तो इसको आप वर्क करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा, और दोस्तों 25 एम एक्स अपान में 2 हो जाएगा, और दोस्तों जो हमारी एम एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो कितना हो जाएगी, 50 हो जाएगी, ठीक है। जो हमारा एक्स का अणुभार आ जाएगा, जो हमारा अणुभार आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों वीडियो में समझाने वाले हैं, एक एक क्वेश्चनों को ऐसे ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50, आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम 2009 में पूछा गया है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च दाब तथा कम ताप पर सभी वास्तविक गैसें निम्न में से कैसा व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। तो दोस्तों अगर वो उच्च दाब और कम ताप पर जो हमारी वास्तविक गैसें होंगी दोस्तों, वो हमारी कैसा व्यवहार करेंगी, तो ऑप्शन है आपका एक आदर्श गैस, दो है परिवर्तित व्यवहार, तीसरा है दोस्तों अपरिवर्तित व्यवहार, और चौथा है गैसीय व्यवहार। अगर दोस्तों आपका उच्च दाब तथा कम ताप रहेगा और वास्तविक गैस रहेंगी, तो वो कैसा व्यवहार प्रदर्शित करेंगी दोस्तों, आदर्श गैस की तरह व्यवहार प्रदर्शित करेंगी। अगर उस गैस का दाब दोस्तों उच्च है और ताप उसका कम है, तो वो आदर्श गैस की भांति व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस गैस मिश्रण पर डाल्टन का आंशिक दाब नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। ये दोस्तों क्वेश्चन के मैंने वीडियो में बता दिया है पहले से ही ये क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे पॉलिटेक्निक आप देख सकते हैं 2009 में पूछा गया है दोस्तों। जो हाइड्रोजन होता है, इसमें हम आपको बता दें ऐसे ही बता दे रहे हैं, जो हाइड्रोजन तथा क्लोरीन होता है दोस्तों आपस में क्रिया करते हैं, और इन पर डाल्टन का आंशिक नियम लागू नहीं होता। जो हमारा अगर दोस्तों गैस गैस रहेगा, तो उस पर डाल्टन का नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। अगर गैस गैस में दोस्तों डाल्टन का नियम लागू नहीं होगा, इसमें दोस्तों हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ही गैस हैं, इसलिए दोस्तों जो हाइड्रोजन और क्लोरीन बी होगा दोस्तों, इस पे आपका डाल्टन का नियम लागू नहीं होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों पॉलिटेक्निक के इंट्रेंस एग्जाम 2009 में पूछे गए हैं, और दोस्तों बहुत से बार ऐसे ही रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास पहुंच सकें, और वे भी दोस्तों अच्छे से अच्छे नंबर एंट्रेंस एग्जाम में गेन कर सकें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, CO2 और SO2 गैसों की विसरण गतियों का अनुपात होगा, ठीक है। तो दोस्तों CO2 और SO2 गैसों के विसरण गतियों का अनुपात कितना होगा, इसका दोस्तों पॉलिटेक्निक 2008 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे। इसमें दोस्तों आपको अनुपात पूछ रहा है, अनुपात के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको सिंपल सा फार्मूला आपको मैंने पहले ही बता दिया है किसका किसका अनुपात पूछ रहा है दोस्तों, तो आपका CO2 और SO2 का अनुपात पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको फार्मूला पता होगा, RCO2 अपान में RSO2, ठीक है। इसको आपको पूछ रहा है मोलर अनुपात, आप डायरेक्ट मोलर अनुपात निकाल लीजिए, एम निकाल लीजिए, एम SO2 कर दीजिए यहाँ पे, और MCO2, ठीक है, MCO2, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसका आप अणुभार निकाल देंगे, MSO2 का अणुभार निकाल देंगे और CO2 का अणुभार निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप RCO2 हो जाएगा और RSO2, ठीक है। अब आप अणुभार जैसे ही निकालेंगे दोस्तों, अणुभार निकालेंगे किसका, SO2 का अणुभार निकालेंगे, तो SO2 का अणुभार कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, कितना, 64 हो जाएगा, और जब आप CO2 का अणुभार निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आप इसको हल करेंगे, ये आपका निकल जाएगा डायरेक्ट, वर्गमूल बन जाएगा 8 का, और इसको आपको मल्टीप्लाई करके वर्गमूल निकालना होगा, ठीक है। तो इसको आप जब निकालेंगे, हल करेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 8 निकल कर आ जाएगा, और ये जो आपका अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 44 था दोस्तों, 4 इंटू 11 हो जाएगा,
ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 × 11 हो जाएगा। अब दोस्तों 4 जो है आपका डायरेक्ट निकल जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 × कितना हो जाएगा 11, ठीक है, 2, 2 × 11 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 अपान में अंडर रूट में 11, ठीक है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 4:4 अंडर रूट में 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा CO2 और SO2 गैसों की विसरण गतियों का अनुपात है। ये क्वेश्चन दोस्तों पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम 2008 में पूछा गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, और दोस्तों समझ में आ रही है एक प्यारा सा कमेंट जय हिंद करके आप जरूर से जरूर हमें बता दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समान ताप एवं दाब पर हाइड्रोजन का एक निश्चित आयतन 26 सेकेंड में विस्तृत होता है, उतने ही समय में उन्हीं स्थितियों में CO2 के आयतन को 122 सेकेंड में विस्तृत होता है, तो CO2 का वाष्प घनत्व कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बताए थे, इसका दोस्तों जो टाइम है आपका जो अलग अलग है इसमें, ठीक है, उन्हीं ही समय में स्थितियां CO2 के गैसों का आयतन जो है 122 सेकेंड में विस्तृत होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में आपको वाष्प घनत्व घनत्व पूछ रहा है दोस्तों, घनत्व आपको डी की वैल्यू पूछ रही है, इसमें आपको दोस्तों D2 की वैल्यू पूछ रही है दोस्तों, DCO2 की वैल्यू पूछ रही है, CO2 का दोस्तों वाष्प घनत्व पूछ रहा है। तो इसमें आपको एक फार्मूला होगा दोस्तों जो कि मैंने आपको बता रखा है, फार्मूला क्या है दोस्तों, फार्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं, फार्मूला है V1T1 पहले वाले क्वेश्चन से दोस्तों, और V2T1 ठीक है इक्वल टू अंडर रूट में D2 / D1 ठीक है। घनत्व के लिए दोस्तों घनत्व निकालेंगे, फार्मूला आपको इसमें से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपका जो V है वो आपका सेम है, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, टेम्परेचर दोस्तों आपको दिया हुआ है, V आपका सेम है, आयतन दोस्तों वैल्यूम आपका सेम है, और टेम्परेचर अलग अलग है, और दोस्तों D2 की वैल्यू आपको D1 की वैल्यू D हुई है, और CO2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दोस्तों जब आपका V सेम है तो V आपका सेम हो जाएगा, और इसका आपका जो T2 का आयतन दिया हुआ है वो कितना है 122 सेकेंड, कितना है दोस्तों 122 सेकेंड, और इसका भी आयतन सेम है, और इसका जो टेम्परेचर कितना है दोस्तों 26 है, इसका टाइम कितना है 26 सेकेंड है, इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों इक्वल टू DCO2 ठीक है, और इसका जो नीचे का क्या है दोस्तों D1 की जो है कितना है 1 ठीक है, V से V आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको आप वर्क करेंगे और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जब आप वर्क करेंगे दोस्तों तो आपका डायरेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं DCO2 का जब आप वहाँ पे वर्क करेंगे इक्वल टू 4.69 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, इसका वर्क करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, हल करने पर दोस्तों CO2 की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी 22 आ जाएगी, कितना दोस्तों 22, तो 22 आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका बी जो है वो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, बी कितना दोस्तों कितने घनत्व होगा CO2 का वाष्प घनत्व कितना होगा, तो 22 घनत्व होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आदर्श गैस समीकरण PV = nRT में R का मान किस पर निर्भर करता है। ठीक है, नवा क्वेश्चन है दोस्तों, जो हमारा आपको मैंने बताया था जो गैस का समीकरण PV = nRT ठीक है, PV = nRT में दोस्तों जो हमारा R का मान होता है वो किस पे निर्भर करता है। तो ऑप्शन है आपका दोस्तों, ऑप्शन एक है गैस की प्रकृति पर, ऑप्शन बी है गैस की मात्रा पर, ऑप्शन सी है गैस के दाब तथा आयतन पर, ऑप्शन डी है गैस के ताप पर। तो दोस्तों थ्योरी में मैंने आपको बता दिया था, जब आदर्श गैस आइडियल गैस के बारे में बता रहे थे दोस्तों, तो दोस्तों उस वीडियो में मैंने आपको बताया था PV = nRT में जो हमारा आर होता है वो हमारा दाब और आयतन पे निर्भर करता है, किस पे दोस्तों दाब और आयतन पे, ओनली प्रेशर और वॉल्यूम पर निर्भर करता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, और उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके एक एक वीडियो को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गैसों के दाब तथा आयतन पर जो हमारा आर का मान होता है दोस्तों
आदर्श गैस समीकरण पीवी इक्वल टू एनआरटी में जो हमारी आर की वैल्यू निर्भर करती है वो हमारी टेम दाब पे, प्रेशर पे और आयतन वॉल्यूम पे निर्भर करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक गैस का आयतन 15 डिग्री सेल्सियस पर 300 सेमी क्यूब है, आयतन 600 सेमी क्यूब करने के लिए उसका तापक्रम होना चाहिए। ठीक है, तो उसका तापक्रम कितना होना चाहिए, इसमें आपका टेम्परेचर पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, आपको 15 डिग्री सेल्सियस दी हुई है, इसमें आप पहले इसको टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करिए। तो कैसे क्या करना होगा दोस्तों, 15 डिग्री सेल्सियस प्लस आपको 273 ऐड कर देना है। तो 278 ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 288 केल्विन, 288 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों अब आपको V की वैल्यू दी हुई है, V1 इक्वल टू कितना है दोस्तों, 300 सेमी क्यूब। ठीक है, 300 सेमी क्यूब। V2 की भी वैल्यू दी हुई है दोस्तों, 600 सेमी क्यूब। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें आपको T1 की भी वैल्यू दी हुई थी, T2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, T2 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो आपको फार्मूला मैंने बता दिया था दोस्तों, V1 अपान में T1 इक्वल टू V2 अपान में T2। ठीक है, किसका दोस्तों, सामान्य दाब और ताप का नियम से जो हमारा बताया था दोस्तों फार्मूला। एक एक वीडियो को दोस्तों अच्छी तरीके से देखिए, वीडियो को आपने देखा है दोस्तों तो क्वेश्चन को हल करने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी। उसमें दोस्तों फार्मूला बताया था दाब और ताप के लिए, V1 अपान में T1 इक्वल टू V2 अपान में T2। इसमें दोस्तों आपको V1 की भी दी हुई है, T1 भी दिया हुआ है, V2 भी दिया हुआ है, आप डायरेक्ट T2 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो T2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो T2 की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप डायरेक्ट इस पर वैल्यू रख दीजिए। तो आप T2 इक्वल टू इसको आप उधर भेज देंगे तो V2 T1 अपान में V1। ठीक है, अब आप डायरेक्ट T2 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, सबकी वैल्यू रखते जाइए। तो कितना, 600 इंटू कितना आया था इसका, 288 केल्विन अपान में कितना, 300। ठीक है, तो जिससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 3 से कटा दोस्तों 2 आ गया। अब 288 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 की हमारी जो वैल्यू आ जाएगी कितना, 576। 288 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 576। 576 आपका T2 की वैल्यू आ जाएगी। अब दोस्तों ये आपका टेम्परेचर में है, इसको आप क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए आपको बताए हैं 273 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपको 273 से इसमें आपको माइनस करना है। तो इसमें आप जब आप इसमें 576 में 273 माइनस कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 303 डिग्री सेल्सियस। कितना दोस्तों, 303 डिग्री सेल्सियस। इसमें आपको तापक्रम पूछ रहा है तो तापक्रम आपका डायरेक्ट हो गया, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया 303 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो आज की क्लासेस बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों मैथ की क्लासेस जो रुकी हुई है दोस्तों बहुत ही जल्द स्टार्ट होगी। और दोस्तों मैथ की क्लासेस जो होंगी आपको लगातार ही मैथ की क्लासेस चलेंगी। तो बहुत धन्यवाद।